हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर चैनल के ऑलरेडी मेंबर हो तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एंड इस वीडियो में हम लोग गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस और GCP के रिलेटेड एक फ्री ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग इस कोर्स को करेंगे एंड आपको एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में आपको अगर कुछ पता नहीं है तो गुड क्लिनिकल की प्रैक्टिस के बारे में नीचे एक मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको पढ़ सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत जर्नल है जहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं अबाउट द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस एक्चुअली ये है क्या, क्योंकि इस वीडियो में मैं अगर पूरा डिस्क्रिप्शन बताने जाऊँ तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसके बारे में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो का पूरा मैं दिखाऊंगा, इवन सर्टिफिकेट को कैसे आप लोग करेंगे, सर्टिफिकेट को भी दिखाऊंगा आपको कैसे डाउनलोड करना है एक्सेट्रा। एंड दिस कोर्स इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने वाला है, स्पेशली क्वालिटी एश्योरेंस, स्पेशली जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, क्वालिटी कंट्रोल के कुछ फैक्टर्स, रेगुलेटरी अफेयर्स के कुछ फैक्टर्स, इन सब के बारे में आपको जानने के लिए मिलेंगे, ठीक है। एंड बिफोर प्रोसीड टू द वीडियो, अगर इस चैनल के कंटेंट्स आपको पसंद आते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर टू एवरीबॉडी, बिकॉज दिस सर्टिफिकेट इज अ वेरी हेल्पफुल सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को आप लोग प्रिंट कर सकते हो एंड इट इज वेरी यूजफुल इन योर इंटरव्यूज एंड जॉब्स रिलेटेड टू क्लिनिकल रिसर्च और एनी काइंड ऑफ। एंड इस सर्टिफिकेट कोई भी पर्सन जो फार्मेसी, मेडिसिन, नर्सिंग के फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में है, कर सकते हैं। इट इज नॉट ओनली फॉर फार्मेसी, स्पेशली जो लोग मेडिकल MBBS कर रहे हैं, MD कर रहे हैं, MPharm कर रहे हैं, BPharm कर रहे हैं, इवन नर्सिंग या अनादर जो पैरामेडिकल कोर्सेज के, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए वीडियो को देख लेते हैं आगे जा। तो दिस इज द वेबसाइट एक्चुअली, नेशनल ड्रग अब्यूज ट्रीटमेंट क्लिनिकल ट्रायल्स नेटवर्क, ठीक है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, नीचे आप जाइएगा तो आपको मिल जाएंगे सारा लिंक्स, ओके, अबाउट द पर्सनल लिंक्स एंड दिस लिंक्स ऑल्सो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वेलकम, द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस कोर्स इज डिजाइन टू प्रिपेयर रिसर्च स्टाफ इन द कॉन्डक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। एज यू ऑल नो, ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के हम लोग ऊपर करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, तो क्लिनिकल ट्रायल कॉन्डक्ट करने के लिए जो रिसर्च स्टाफ्स होते हैं उनके लिए स्पेशली गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस का जो कोर्स है वो दिया गया है। एक्चुअली द 12 मॉड्यूल्स इंक्लूडेड इन द कोर्स आर बेस्ड ऑन द ICH-GCP प्रिंसिपल एंड द कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन CFR फॉर क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल्स इन द US, ठीक है। द कोर्स इज सेल्फ प्लेस्ड एंड टेक अप्रोक्सीमेटली 6 hours टू कम्प्लीट, मतलब अगर आप एक पूरा करते जाएंगे तो आपको 6 hours अप्रोक्सीमेटली आपका टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते हैं एंड विच इज़ गुड फॉर यू आई थिंक, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा करके किया था, लेकिन क्योंकि बहुत सारे मॉड्यूल्स है, वीडियोज़ है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके पूरा कोर्स कम्प्लीट किया था अराउंड 7 days के अंदर। एंड आप लोग भी ऐसे कर सकते हो एज यू विश, ठीक है। यहाँ पे पहले आपको साइन अप करना होगा, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली अकाउंट नहीं है, अगर है तो लॉगिन कीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नीड एन अकाउंट, यहाँ पे साइन अप पे जाना होगा। बिफोर दैट कोर्स के कौन कौन से टॉपिक है देख लीजिए, पहला इंट्रोडक्शन, फिर है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स, कौन कौन से बोर्ड्स है जो एक्चुअली रिव्यू करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल डेटा इनमें, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, पार्टिसिपेंट सेफ्टी एंड एडवर्स इवेंट, जो पार्टिसिपेंट लोग आ रहे हैं फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स उनके सेफ्टी एंड एडवर्स इवेंट क्या क्या हो सकता है। देन हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, देन हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च प्रोटोकॉल क्या क्या होता है, देन डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड डिस्कशन है, देन है रिसर्च मिसकॉन्डक्ट, क्या क्या मिसकॉन्डक्ट होते हैं, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली रेगुलेटरी अफेयर्स के एक्सपेक्ट से, रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन एंड इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग्स, ठीक है, लास्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सर्टिफिकेशन, यूजर्स आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट ए क्विज, आपको एक एग्जाम और एक क्विज जो बोलेंगे आपको देना होगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें अगर आपका 80% मार्क्स एटलीस्ट ना आए तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। एंड ये जो एग्जाम होते हैं ये बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है, मैंने भी ये एग्जाम दिया था, मतलब जो क्विज टाइप का होता है, अगर आप लोग थॉरली रीड नहीं करेंगे जो मॉड्यूल्स आपको दिया जाएगा, जो रिसोर्सेस आपको दिया जाएगा, जो वीडियोस दिया जाएगा, थॉरो अगर आप लोग रीड नहीं करेंगे तो आपको मिलने नहीं वाला है 80% मार्क्स, अगर 80% मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपको नहीं मिलने वाला है सर्टिफिकेट। बट इसका एक वैलिडिटी है, मतलब अगर जिस दिन से आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है उसी दिन के अंदर, उस दिन से लेके 3 साल के लिए आपको वैलिडिटी दिया जाएगा, ठीक है। मतलब मुझे 2021 में अगर सर्टिफिकेट मिला है तो 2024 तक मेरा सर्टिफिकेट का वैलिडेशन होगा। मैं मेरा सर्टिफिकेट भी आपको दिखाऊंगा कैसे सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग रिसोर्सेज देख सकते हैं, कौन कौन से क्या क्या रिसोर्सेज आपको दिया जाएगा एक्चुअली में, बट आई विल सजेस्ट कि बिफोर रिसोर्सेज आप लोग एक अकाउंट बना लो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अकाउंट बना लेंगे, अकाउंट बनाने इज नॉट दैट टफ प्रोसेस, आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद ये ऑलरेडी मैंने दिखा दिया, एडिशनल रिसोर्सेज आप चाहे तो इनमें जाके भी कुछ कुछ देख सकते हैं, कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स
एंड CTN ट्रेनिंग रिसेप्शन बॉक्स, नेटवर्क अपडेट, सीजन ट्रेनिंग वेबिनार्स, बहुत कुछ यहाँ पे है। स्पेशली US का जो डिफरेंट सेक्शन बॉडीज है वहाँ के बारे में आप लोग अलग से पढ़ सकते हैं। अभी इंट्रोडक्शन में जाएंगे अलग से, मतलब एक एक को अगर आप जाएंगे तो इसके बारे में, ये जो मॉड्यूल्स है ये सारा कुछ मॉड्यूल कॉन्टेंट है जो कि आप लोग प्रिंट कर सकते हो या फिर ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ये आगे भी जाके आपको हेल्प करेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा इन सारे को आप लोग डाउनलोड कर लो एंड एक फोल्डर बना के रख लो एंड सर्टिफिकेट जो मिलेगा उसको भी फोल्डर में इंक्लूड कर लेना। तो इसके पूरे डिटेल्स आपके आगे भी जाके हेल्प करेगा बहुत, ठीक है। क्योंकि बार बार तो एक कोर्स आप नहीं करेंगे, कोर्स एक बार कर लिया, लेकिन अगर आपको कुछ जानने की जरूरत है तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हाट इज गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, व्हाई दिस ट्रेनिंग इज नेसेसरी, ठीक है, व्हाट आर द गाइडलाइंस, देन फेडरल रेगुलेशन कौन कौन से है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन इतने डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ पे फिर से आएंगे वेलकम में एंड यहाँ पे आपको अकाउंट बना लेना पड़ेगा। साइन अप पे आएंगे, साइन अप पे आने के बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है, प्लीज एंटर द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एज यू वुड लाइक टू अपियर ऑन द सर्टिफिकेट, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द नेम लेटर। जैसे आप चाहते हैं सर्टिफिकेट में आपका नाम आए वैसे लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम का मिस्टर आए या मिसेस या मिस आए तो आप उसी को फर्स्ट नेम में ऐड कीजिए, ठीक है, मिस्टर योर नेम एंड लास्ट नेम में आप अपना टाइटल ऐड करो, ठीक है, एज यू नीड योर न्यू सर्टिफिकेट। अगर आप सिर्फ नाम ऐड करना चाहते हैं सिर्फ नाम दीजिए, वो लोग मिस्टर डॉक्टर ये सब नहीं देने वाला है। अगर आपका जैसे नाम है वैसे पूरा इंक्लूड कीजिए। यहाँ पे आपका स्टडी रोल लिखना है, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, ठीक है, वहाँ पे आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं मास्टर स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट या फिर यूजी स्टूडेंट या फिर एमबीबीएस स्टूडेंट, एमडी स्टूडेंट आप लिख सकते हैं ऐसे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब का रोल या फिर टाइटल लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, ये जॉब कर रहा हूँ। आपका पोजीशन लिख सकते हैं लाइक सीनियर एनालिस्ट, जूनियर एनालिस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पे आप लोग जॉब कर रहे हैं या फिर आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी का नाम, लोकेशन में जो भी आपका लोकेशन है लाइक इंडिया इन केस योर्स, तो इंडिया का लोकेशन आप लोग दीजिएगा, यहाँ पे आपको इंडिया मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इंडिया। NIH एफिलेटेड इफ अदर प्लेसेस स्पेसिफाइड, मतलब अगर इसमें नहीं है तो आपको यहाँ पे लिखना है इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू क्योंकि इंडिया यहाँ पे है। NIH एफिलेटेड तो यहाँ पे आप लोग को येस करना है या नो करना है, तो आपको यहाँ पे नो करना है, ठीक है। माय IRP रिक्वायर्स 100% पासिंग रेट, यहाँ पे आप लोग इसको भी नो ही कर दीजिएगा। फिर ईमेल पासवर्ड देके एक अकाउंट बना लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ बाकी का प्रोसेस। लॉगिन कर लिया ऑलरेडी, इट अपीयर्स दैट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द कोर्स एंड रिसीव सर्टिफिकेशन। यहाँ पे आप लोग को ये नहीं दिखाएगा एक्चुअली में, ऐसे आपका पहला पेज आएगा जैसे आप लोग ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे ऐसा ओपन होगा। वेलकम टू द GCP गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑनलाइन ट्रेनिंग कॉन्सिस्ट ऑफ 12 मॉड्यूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। फिर क्विज एंड सर्टिफिकेशन, रिसोर्सेज कहाँ पे क्या मिलेगा, ये सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको हटा देते हैं। फिर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा माय प्रोग्रेस, आपको एक एक करके सारा मॉड्यूल्स खत्म करना है, ठीक है। एंड लास्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं 82%, मतलब आपको फाइनल में 80% से ऊपर मार्क्स लाना है। तो मेरा बहुत मुश्किल से 82 आ गया था, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट, आपको भी लाना है, ठीक है। आप इससे ऊपर लाएंगे तो वेरी गुड फॉर यू, लेकिन मेरा 82% ही आया था। एंड आपको सारे में 80% लाना है, नॉट ओनली कि फाइनल ग्रेड में आपको 80% लाना है, सारे के जो क्विजेस हैं सारे क्विजेस में आपको फाइनल क्विज इंक्लूडिंग ऑल द क्विज आपको 80% से ऊपर मार्क्स लाना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 80% से है, सारा कुछ 80% से है, रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन पे 100% है, तो टोटल फाइनल ग्रेड है 82%। कॉम्पिटिशन ऑन January 11, 2021, बहुत दिनों पहले मैंने कोर्स किया था, बट इस कोर्स को वीडियो बनाना इज़ वेरी मच कॉम्पल्सरी क्योंकि ये बहुत एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये फ्रेंकली अगर मैं बताऊँ तो ये कोर्स मुझे बहुत हेल्प किया है, लाइक वेन एवर आई लाइक, अगर आप फार्माकोलॉजी के फील्ड में हो स्पेशली या फिर क्लिनिकल रिसर्च के PGDM में हो तो आपको तो डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है, विद दैट फार्मा एनालिसिस, सीयूटिक्स में भी बहुत सारे, ठीक है। देन आपको पहले इस इंट्रोडक्शन पे ऐसे आपका नॉट एप्लीकेबल मतलब 00 दिखाएगा, आपको ऐसे इंट्रोडक्शन पहले एंटर करना है, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे तो आपको कंटेंट क्या क्या मिलेगा सारा कुछ, फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आपको ऐसा आएगा क्या है क्या नहीं है, फिर से नेक्स्ट कीजिएगा। आप जहाँ पर वीडियो है जहाँ पर वीडियो है वीडियो देखना है, जहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है वहाँ पे पढ़ाई करनी है, ठीक है। जहाँ पे क्लिक रेट करना है मतलब वो आपको अनादर कुछ बताना चाहते हैं तो वहाँ पे वो सारे PDF आपको देखना है पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा अगर नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला सर्टिफिकेट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्विज में आते हैं, ठीक है। एंड ऐसे आप लोग पूरा मॉड्यूल्स को ख़त्म कीजिएगा, मॉड्यूल्स जैसे सारे खत्म हो जाते हैं आपके पास ऐसे एक एक करके इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू सारा कुछ खत्म करेंगे, रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूशन ये सारा जैसे हो जाएगा आपको इस जगह पे ऐसे आएगा, फाइनल ग्रेड नहीं आएगा, इस जगह पे आएगा नाउ क्लिक टू स्टार्ट योर क्विज और एग्जाम, उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा आपका
एग्ज़ाम के लिए मतलब क्वेश्चन आना, उस क्वेश्चन में, उस क्विज में आपको 80% से ऊपर मार्क्स लाना है, इट इज़ मैंडेटरी। जैसे आप लोग मार्क्स लाएंगे आपका ऐसा आ जाएगा फाइनल ग्रेड एंड कंप्लीटेड ऑन, मतलब जैसे जिस दिन पे आप करेंगे उस दिन का डेट आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको सारा कुछ हो जाएगा यहाँ पे, फिर आप सर्टिफिकेशन पे जाएंगे, सर्टिफिकेशन पे जैसे आएंगे आपका ऐसा दिखाएगा योर करंट सर्टिफिकेट, वंस यू रिकॉर्ड ऑल द क्विज रेक्टिफाई प्लीज रीड केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेक्टिफाई मतलब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं दिस इज माई सर्टिफिकेट, ठीक है, NIDA क्लिनिकल ट्रायल्स नेटवर्क सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटेशन, यहाँ पे मेरा नाम है। तो सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंने मिस्टर इंक्लूड नहीं किया है, तो आप चाहे तो कर सकते थे क्योंकि तब मुझे पता नहीं था, ठीक है, अब मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो आप चाहे तो कर सकते हैं क्योंकि वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। टू सर्टिफाई योर कंप्लीटेशन ऑफ द 6 आवर्स कोर्स इन, जैसे आप देख सकते हैं सभी में मैं पास्ट हुआ हूँ, अगर आप इनमें से एक में भी फेल होते हो तो आपको नहीं मिलने वाला सर्टिफिकेट। यहाँ पे सिटी एंड एक्सपायरेशन डेट है 11 जनवरी 2024, मतलब परफेक्ट 2021 टू 2024 तीन साल का है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है इंडैट सिटी एंड क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर सेंटर, उनका सिग्नेचर है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो ये सर्टिफिकेट आप लोग प्रिंट कर सकते हैं, पहले तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, जैसे प्रिंट करेंगे आपका वो डाउनलोड होकर आ जाएगा यहाँ से जैसे डाउनलोड, बहुत हेल्पफुल है, आप लोग जॉब्स पॉप्स के जो इंटरव्यूज होते हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, आप डेफिनेटली इसको कीजिए, थैंक यू वेरी मच, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।